हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम विकास है। सॉरी, मैं 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं स्टोर पे बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और मैं ट्राई भी किया था कि मैं मेरे स्टोर से मैं बनाऊँ वीडियो, लेकिन बहुत ही बिजी था। मतलब कस्टमर आ रहे थे, कुछ हो नहीं पाया बराबर। तो सोचा कि घर पे ही मैं शांति से बनाऊँगा वीडियो। और आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ लिकर स्टोर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मेरे को कमेंट भी आया था कि मैं बताऊंगा कितना इन्वेस्टमेंट टोटल लगता है। तो उसमें एक्चुअली होता है तीन चार अलग अलग इन्वेस्ट है। मतलब आप किस हिसाब से स्टोर लेते हो, कैसे करना चाहते हो, उसके ऊपर है। तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप अगर रेंट से स्टोर लेते हो, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आप रेंट से लेते हो तो क्या रेंट होता है वगैरह वगैरह, तो आप अगर पूरा नया दुकान, मतलब रेंट से पूरा, किसी ने पहले लिकर स्टोर वहाँ पे मतलब किया ही नहीं, आपको पूरा नया स्टोर आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे, तो उसमें होगा क्या? पहले आपका खर्चा एक तो होगा, वो है कूलर्स वगैरह। सबसे बड़ा खर्चा वही होगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो सोडा कूलर, जो बियर कूलर को ही आपको लगाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे सोडा और बियर कूलर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओनली लीकर करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जो लोग होते हैं वो कहीं लोग तो लीकर एंड बियर दोनों बाय करते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप लीकर लगाओगे तो नहीं चलेगा, मतलब आपका इतना बाद में वो नहीं होगा ग्राहकी, और इनकम इतना आपका नहीं होगा। इसलिए आपको बियर कूलर तो लगाना ही पड़ेगा। बियर कूलर में इतना मार्जिन नहीं होता है फिर भी, लेकिन पैसे आपके रोटेट होते रहते हैं। मतलब उसमें 15% का आपका मार्जिन होता है बियर के अंदर। और बियर कूलर की मैं आपको बात करूँ तो जो स्पेशली जो स्पेसिफिक बियर के जो कूलर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वॉकिंग कूलर कहते हैं यहाँ पे, जिसमें आप पीछे से चल भी सकते हो। पूरा पीछे से आपको लोड करना होता है, पूरे मेटल्स के पूरे रैक बने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंडिया के जैसे आपको सिंगल बियर्स नहीं मिलते, कि आप बड़े बड़े वो जो अपने यहाँ पे 70-50 ml के लीटर के जो बड़ी बड़ी बॉटल मिलती है, यहाँ पे इतने बहुत ही कम मिलते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलते इतने। यहाँ पे नॉर्मली होते हैं 12 ounce एंड 18 ounce के जो छोटी छोटी बॉटल होती है, पाइंट समझ लो 300 ml, 200 ml, वैसे 200 ml तो, अरे कहना क्या चाहते हो, हाँ 200 ml के भी होते हैं वो छोटे छोटे बियर मिलते हैं यहाँ पे। तो उसके केसेस होते हैं, मतलब 6 pack हो गया, 12 pack हो गया, 18 pack हो गया, 24 pack हो गया, 30 pack हो गया, वैसे वैसे मिलते हैं कैंस एंड बॉटल सेम साइज, छोटी साइज, तो वो पूरे केसेस में आते हैं। तो वो हिसाब से आपको वैसे बड़े कूलर चाहिए। तो वो कूलर की मैं सिर्फ आपको बात करूँ तो आई थिंक एक ही कूलर आप करोगे तो आपको आराम से 50,000 के ऊपर तो आपको वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी महंगे होते हैं वो बड़े वॉकिंग कूलर, क्योंकि वो पूरा आपका वो पूरा ही बड़ा सा इंस्टॉल करो, पूरा बनाएंगे वो लोग। और नॉर्मल सोडा कूलर की बात करूँ तो आप यूज्ड वन भी लेते हो या नए लेते हो तो वो भी आपको, मतलब आप 2-4 cooler तो आपको चाहिए नहीं। सोडा, जूस, बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज़ यहाँ पे होते हैं, कैंस, बॉटल, 2 liter की बॉटल, तो वो आपको नहीं तो सोडा के लिए आपको मेरे हिसाब से 8-10 cooler तो आपको वो चाहिए होंगे, लंबे वाले, जो पतले वाले, जो खड़े वाले होते हैं, वैसे 10 ही कूलर तो आपको चाहिए ही होंगे, क्योंकि इतनी अलग वैरायटीज आती है। क्योंकि आप फ्यूचर के अंदर आप ज़्यादा वैरायटीज ला के आप फूड स्टैम्प भी अगर अप्लाई करना चाहते हो आपके बिजनेस में लीकर स्टोर के साथ, तो आपको सोडा और जूसेस में भी आपको इतनी वैरायटी रखनी होगी। तो उसकी मैं बात करूँ तो आपको आराम से अप्रोक्सीमेटली, डिपेंड आप कौन सी कंपनी के बाई करते हो, क्या करते हो, 10-20 हज़ार के तो वो कूलर हो जाएंगे आपके। और 50,000 के ऊपर, मतलब आपको समझ लीजिए कि आपका 1 lakh का तो सिर्फ आपका $1 lakh की बात करो, रुपए में नहीं, डॉलर, $1 lakh में आपके तो सिर्फ आपका ये आपको स्टोर आपका वो बनाने में चला जाएगा। और बाद में बात आती है आपके इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट मतलब आपके जो स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स आपको जो आप लेने होंगे लीकर के स्टॉक्स, मतलब आपको उसमें भी आप कैसे बाय करते हो, क्योंकि लीकर के अंदर भी अलग अलग प्राइजेज होती है वेंडर से, आप हमारी प्राइस जब हम बाय करेंगे कंपनी से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 1 case एंड 2 case, 25 case, उसके अलग अलग प्राइजेस होते हैं। सिर्फ आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ ग्रेगूस वॉट का अगर आप कंपनी से सिर्फ 1 case बाय करते हो तो आपको एक बॉटल ग्रेगूस का पड़ेगा $6-7 के बीच में। और वही कंपनी आपको डील्स देती है कि अगर आप 50 केस बाय करते हो ग्रेगूस के
तब आपको वही ग्रे गूस पड़ेगा 4.5 से 5 डॉलर में। तो जो प्राइस आपको एक केस का पड़ेगा वो प्राइस में आप कस्टमर को बाद में बेच सकते हो। जैसे कि हमारी बात करें तो मेरे बॉस ने 50 केस बाय किए थे ग्रेगुस के, तो अभी हम लोग कस्टमर को 3 दे रहे हैं 20 डॉलर में, और एक हम लोग देते हैं 60 डॉलर में प्लस टैक्स। तो ये होता है कस्टमर का फायदा, क्योंकि अगर आप एक ही केस लेके स्टार्ट करोगे आपका बिजनेस, तो कस्टमर आपको कंप्लेन करने ही वाला है कि आपके बाजू वाला या दूसरे स्टोर वाले सब लोग ये प्राइस में दे रहे हैं, आप क्यों इतनी ज़्यादा दे रहे हो प्राइस। क्योंकि आपका प्राइस बाद में क्या हो जाएगा कि हर एक स्टोर से आपका 3 3 4 4 डॉलर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग बाद में कंप्लेन करेंगे आपको, एक दो बार आएंगे शायद बाद में नहीं भी आए, या तो फिर इमरजेंसी होगा तो ही आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। वो मैंने देखा हुआ है, कहीं पर हमारा ऐसा हुआ है। और तो अगर ये अगर आप डील्स में लेते हो एक एक, अगर एक एक केस से आप स्टार्ट करते हो तो आपका 50,000 के अंदर ही काम हो जाएगा। अगर आप डील्स में लेते हो, ज़्यादा स्टॉक लेते हो, अच्छी प्राइस में आपको मिले, तो आपका लीकर में आराम से आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1.5 से 2 लाख का डॉलर, 1.5 से 2 लाख डॉलर में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लीकर के अंदर। क्योंकि वेराइटीज़ भी बहुत है, टकीलाज, वॉडकास, ब्रांडी, रम, सब आपको मतलब विस्की सब कुछ लेना पड़ेगा। तो उसमें और सब साइज कितने फ्लेवर्स है यहाँ पे, बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं, ब्रांडी में भी फ्लेवर आते हैं, विस्की में भी फ्लेवर आता है, सब मतलब सभी चीज़ में फ्लेवर यहाँ पे आते हैं। वाइन, वाइन तो बहुत सारी वाइन है, मतलब मेरे जो स्टोर है, मेरे स्टोर पे पूरे 4 शेल्फ है वाइन के, फिर भी कितनी कंपनी तो हमारे पास है ही नहीं, इतनी सारी वाइन्स होती है। तो कभी मैं जाऊंगा अगर वॉलमार्ट में या तो फिर पिकेंसे में जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे पूरा इतना बड़ा वाइन सेक्शन होता है। तो आप अगर वो सब स्टॉक की बात करो तो आपको 2 लाख, ज़्यादा स्टॉक करते हो तो आपको 2 लाख डॉलर का तो इनकम हो जाएगा। तो आप प्रॉपर स्टोर अगर ओपन करते हो रेंट के स्टोर में, तो स्टॉक के सबके साथ आपको 3-1 लाख का खर्चा हो जाएगा। ये हो गया रेंट का बात। और अगर आप दुकान खरीदना चाहते हो तो आपको, अगर अगर मैं मेरे एरिया की बात करूँ, तो आप ये पूरा जो वीडियो आप देख रहे हो तो वो आप सोता, मैं जहाँ पे रहता हूँ जो स्टेट में रहता हूँ विस्कॉन्सिन में, वहाँ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सब हर एक स्टेट का यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज होती है, अलग 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 प्राइस भी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो स्टेट में क्या टैक्स लगता है वो सब अलग अलग होता है यहाँ में अमेरिका में। तो वहाँ पे शायद आपको सस्ता भी हो, कहीं पे महंगा भी होता है। क्योंकि शिकागो में जैसे मैंने देखा हुआ, शिकागो में महंगे लीकर्स भी बिकते हैं हमारे यहाँ से, इसलिए हर जगह के अलग अलग प्राइजेस है। तो यहाँ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का स्टोर भी, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही स्टोर पकड़ लो, तो मेरा स्टोर अगर बॉस को, मेरे बॉस को अगर पूरा बेचना होगा, पूरे मतलब लीकर्स के साथ, स्टॉक के साथ और पूरा स्टोर के साथ, तो वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 8-9 लाख डॉलर के ऊपर जाएगा एरिया के हिसाब से। क्योंकि वो 2 स्टोर है उनके, और पूरी प्रॉपर्टी बेचनी होगी एक्चुअली 3 स्टोर के साथ, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख डॉलर से भी ज़्यादा जाएगा वो। 10 लाख डॉलर यहाँ पे 1 मिलियन बोलते हैं, 1 मिलियन डॉलर के भी ऊपर जाएगा उनका स्टोर का प्राइस। तो भी डिपेंड आप कितना बड़ा स्टोर लेते हो, अगर सिंगल छोटा, जैसे मेरा आपने वीडियो देखा था मेरे स्टोर का लास्ट में, जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है लास्ट में उनको पता होगा मेरा स्टोर कितना बड़ा है। तो वो स्टोर 2 स्टोर को मिला के एक हुआ है, बीच में से वॉल था वो निकाल दिया और 2 स्टोर को एक स्टोर कर दिया है। गार्डन क्लीन कर रहे बाहर, तो वो 2 स्टोर का प्राइस इतना तो हो जाएगा। मतलब आपको खरीदना हो तो आपको आराम से 3 4 लाख, अगर एम्प्टी स्टोर आप ले रहे हो पूरा कोई बिजनेस नहीं था, तो 3 4 लाख के ऊपर हो जाएगा बाद में, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, आप कौन से एरिया में ले रहे हो। तो आपका खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 6 7 लाख के ऊपर आपका खर्चा हो जाएगा स्टार्टिंग कर रहे हो तो। और यहाँ पे टर्म्स क्या होती है कि अगर आप, तो जैसे कि वेंडर से बाय करते हो लेकर, तो वो आपको 15 दिन की यहाँ पे क्रेडिट भी देता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा था वो रेंट वाला, दूसरा पॉइंट था हमारा खुद का आप स्टोर खरीदो वो, और तीसरा पॉइंट था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई रनिंग स्टोर आप लेते हो, कोई ऑलरेडी कोई चला रहा है और उसको अगर बेचना है, बेचना मतलब लीज पे भाड़े पे देना है रनिंग स्टोर को, तो वो स्टोर का भाड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है वो स्टोर आपको दे रहा है वो, तो वो आपका हो जाएगा, वो आपको 5-1 हज़ार डॉलर रेंट चार्ज करेगा, क्योंकि वो स्टोर ऑलरेडी आपको 20-30 हज़ार प्रॉफिट करके दे रहा है महीने को। तो उसमें क्या होता है कि आपको 5 हज़ार उसको रेंट देना होता है। आप जिस तरह के एग्रीमेंट करते हो, जैसे 3 साल 5 साल 10 साल का जो भी आप एग्रीमेंट करते हो, तो वहाँ पे हर महीने का आपका 5 हज़ार का भाड़ा हो गया किराया, और
वो आपसे गुडविल भी लेगा। अगर स्टोर ज़्यादा इनकम कर रहा है तो वही गुडविल होती है। जैसे कि कोई स्टोर महीने का 1.5 लाख का इनकम कर रहा है, 1.5 लाख डॉलर महीने का कमा रहा है और आपका प्रॉफिट हो रहा है 40-1 हज़ार डॉलर, तो वो आपसे गुडविल मांगेगा। गुडविल वो होता है कि अगर आप वो आपको रनिंग स्टोर दे रहा है तो आपको 3-4 महीने की जो प्रॉफिट होती है वो आपसे वो मांग लेगा स्टार्टिंग के। तो कोई 1 लाख डॉलर, कोई 1.5 लाख डॉलर वो गुडविल मांगेगा, प्लस स्टॉक जो स्टॉक दुकान में होगा वो आपको देना होगा। तो मतलब आपका उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट 3-1 लाख डॉलर हो जाएगा, 3-3.5 लाख डॉलर हो जाएगा। और बाद में तो हर महीने भाड़ा ही देना है आपको, लेकिन आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाती है जो सीधी होती है 30-1 हज़ार प्रॉफिट, 30-1 हज़ार डॉलर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन किसी का स्टोर अगर 1 लाख डॉलर से कम कर रहा है, कम उसका क्या बोलते हैं टोटल इनकम, महीने का टोटल इनकम अगर 1 लाख डॉलर से भी कम है, मतलब 80 हज़ार ही है, 60 हज़ार ही है, तो उसमें गुडविल नहीं होता। क्योंकि अगर आप 1 लाख डॉलर गुडविल ही दोगे आप, तो आपका प्रॉफिट ही हो रहा है 15 हज़ार महीने का, आप 5 हज़ार किराया ऑलरेडी देने वाले हो, 10 हज़ार ही आपके पास बचने वाले हैं, उसमें से भी आपके खर्चे निकाल दो, आपका सैलरी निकाल दो, तो आपके पास बचेगा ही महीने के एंड में शायद 4 हज़ार। उसमें आप अगर 1 लाख गुडविल दे रहे हो तो आपको 5 साल तो गुडविल के ही, वो गुडविल निकालने में ही लग जाएंगे, आपको मिलेगा कब? तो उसमें गुडविल नहीं होता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो इन श्योर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो यहाँ पे लीकर का, तो आपको ये 3 पॉइंट है जो 3 तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें यहाँ पे कम से कम भी आपको करोगे तो आपको अगर कूलर वगैरह आपको लेना पड़ेगा तो आपका 1-1.5 लाख 2 लाख तो खर्चा आपका हो ही जाएगा कम से कम स्टॉक में। और आप फुल ऑन स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब फुल स्टॉक फुल सब कुछ आप करना चाहते हो, तो आपका आराम से 3 लाख के ऊपर 4 लाख के पास जाएगा खर्चा आपका, उतना हो जाएगा आपका। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो मुझे अगर जो बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है गैस स्टेशन। ये चौथा पॉइंट है मेरा, गैस स्टेशन का बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ और यहाँ पे आपका वो एक्चुअली महंगा होता है, वो 1 मिलियन के आसपास उसका जाता है कॉस्ट, 1 मिलियन के जैसा आपका कॉस्ट हो जाता है उसके अंदर गैस स्टेशन में। लेकिन आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, मतलब 2-3 लाख इन्वेस्ट उसमें आपको दिखाना पड़ता है, 2-3 लाख आप अगर डॉलर डालते हो तो आपका पूरा गैस स्टेशन स्टार्ट हो जाता है, आपको बाकी लोन वगैरह मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें होता क्या, एक तो गैस आपका ऑब्वियसली पेट्रोल तो चाहिए चाहिए सबको, तो गैस स्टेशन आप वहाँ पे जो भी खड़े रहेंगे वो अंदर आने ही वाला है। और स्पेशली क्या होता है कि गैस स्टेशन का टाइमिंग्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लीकर स्टोर में भी टाइमिंग्स है, हम लोग 8 बजे के पहले सुबह लीकर नहीं बेच सकते बाई लॉ, वो ये स्टेट का लॉ है, दूसरे स्टेट का पता नहीं, ये स्टेट के अंदर 8 बजे के पहले हम लोग लीकर नहीं बेच सकते और रात के 9 बजे के बाद नहीं बेच सकते। तो जो भी है वो ये 8 से 9 में ही है। और गैस स्टेशन का इतना अच्छा है कि वो लोग 5 बजे सवेरे खुल जाते हैं, तो वो लोग भी लीकर तो नहीं बेच सकते लेकिन बियर बेच सकते हैं। तो सुबह 5 बजे के बाद वो लोग का बियर चालू हो जाता है, डिलीवरी भी वो लोग की चालू हो जाती है बियर की सुबह 5 बजे से। और गैस स्टेशन बंद होते हैं रात के 12-12 बजे तक, तो 12 बजे तक वहाँ पे लोग बियर वगैरह बाई करते हैं, लीकर 9 बजे के बाद नहीं बेच सकते वो लोग। उसमें भी एक और अच्छा आइडिया है, अगर आप गैस स्टेशन के साथ अगर आपको छोटा सा बार कहीं मिल जाए तो क्या होता है कि आपको बार का लाइसेंस मिल जाएगा। तो बाय लॉ आप 12 बार में तो आप बाय लॉ 12-2 बजे तक बियर वगैरह सब कुछ लीकर सब कुछ बेच सकते हो, मतलब लोगों को कस्टमर को। और अगर आपका स्टोर बाजू में होता है तो आपको इंश्योर लाइसेंस मिल जाता है, जो मैंने एक यहाँ पे मेरे सिटी में मैंने एक स्टोर देखा हुआ है जिस ऐसा ही है, बार है गैस स्टेशन है और उसके साथ में स्टोर है, तो वो बंदा आपको आराम से 12-12 बजे तक वो लीकर भी बेच रहा है। तो एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर वो आपको मिलता हो तो आपका आवर्स भी आपका बढ़ जाएगा स्टोर का, ग्राहक की भी बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे स्टोर क्या होता है, क्या है कि सुबह की भी कहीं लोगों की जॉब होती है, जैसे अमेजोन जॉब है, वेयरहाउस जॉब है, ये सब सारी जो जॉब्स होती है ना वो सवेरे 6-6 बजे 7-7 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो होता है कि कहीं लोग यहाँ पे इंडिया ऐसे हम लोग भाई चाय वाय बनाए हम लोग निकल गए पी के चाय पी के, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सब लोग ड्राइव थ्रू या गैस स्टेशन पे यहाँ पे स्टॉप करते हैं, डोनट वगैरह लेते हैं और वहाँ पे कॉफ़ी के मशीन्स लगे ही होते हैं, हर गैस स्टेशन पे आपको कॉफ़ी मिल जाएगा और ये लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं। तो आपको वो कॉफ़ी वगैरह भी ये लोग आपका सवेरे से वो स्टार्ट ही हो जाएगा, मतलब आपका बिजनेस कॉफ़ी डोनट वगैरह सब ये लोग आपको वो सब में आपका स्टार्ट हो जाएगा।
और फ्रोजन सैंडविच से लेके फ्रोजन बर्गर वगैरह वो सब सवेरे सवेरे सब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबवेज वगैरह ये जो होते हैं वो सवेरे इतने जल्दी नहीं खुलते, तब गैस स्टेशन का बिजनेस बहुत अच्छा होता है ये टाइमिंग पे, और स्पेशली रात के 9 बजे के बाद भी, क्योंकि 9 बजे के बाद सब ये क्या होता है कि लीकर स्टोर्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं, तो लोगों को ऑप्शन में सिर्फ गैस स्टेशन ही रहता है कि रात को भाई अभी बियर लेना ये लेना कहाँ जाएंगे, तो गैस स्टेशन। और कई लोग सिगरेट भी ज़्यादातर गैस स्टेशन वाले बहुत बेचते हैं, कि कोई भी गैस भरा खरा रहा, कोई भी गैस फिलअप कर रहा, कुछ भी कर रहा है, उतने में अंदर जाके सिगरेट ले लिया या कॉफ़ी ले लिया, तो क्या आपका चलता ही रहता है। तो सच कहूँ तो मेरे को गैस स्टेशन का बिजनेस बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये आपका 3-1 लाख अगर आपके पास हो तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप इसमें आप इन्वेस्ट करके आप ये स्टार्ट करो तो काफ़ी अच्छा रहता है, बाकी तो आपके ऊपर है। तो अगर ये वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन, तो आपको और भी आगे वाले वीडियो मिल सके। अभी देखते हैं, ये वीडियो तो लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और देखते हैं अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आज वेनसडे तो हम लोग कहीं जाएंगे, तो मैं ज़रूर आपको वो भी वीडियो डालूंगा, तो पहले आप ये देख लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।